के सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बचके सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरी चिपकली, ओरी चिचंदर। रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट। दूर करो ये टेंशन, ये हटके बचके सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियां खोल के देखो, दिल की खिड़कियां इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, सरा सरा सी अनबन। हटके बचके सरा संभल के ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। आओ ना, मैं मर दूं, तुम जैसे दो चार भी आ जाए ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मन को दर्द नहीं होता। मोंटी, ये क्या हो रहा है? फाइटिंग। फाइटिंग? दिन भर घर में पड़ा रहता है और हर आधे घंटे के बाद जाके फ्रिज पे अटैक करता है। छोड़ ना, शर्म नहीं आती? अपने से आधी उम्र की बच्चियों के साथ तू ताकत की आजमाइश करता है? चलता है और ऊपर से रुआब झाड़ता है कि मैं मर दूं। जाके अपनी उम्र के बच्चों के साथ लड़, तब पता चलेगा बच्चे की कितनी ताकत है तेरे में। क्या करूं डैड, भूखे पेट का सवाल है। भूखे पेट का सवाल है, खाता है और मोटा होता जाता है। पता है, खाली दिन भर खाता है, सोता है, खाता है, सोता है और बैठ के टीवी देखता है। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? ये क्या, तुम्हारा तो चेहरा उतरा हुआ है। आज तुम्हारे स्कूल की मीटिंग थी ना, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला था, क्या हुआ? होना क्या था? ये तो पहले से तय था किसको क्या पोजीशन मिलने वाली है। जो जैसा था वैसा ही है। उन्होंने एक मास्टर को, जो मुझसे 5 साल जूनियर है, जिसे कुछ नहीं आता, उसे प्रिंसिपल बना दिया है क्योंकि वो एक मर्द है। और मुझे मिला है 500 रुपए के इंक्रीमेंट का लॉलीपॉप। थैंक यू वेरी मच। तुम नर्सरी के बच्चों को अच्छा पढ़ा लेती हो। अरे वाह डार्लिंग, क्या बात है, 500 रुपए का इंक्रीमेंट और नर्सरी के बच्चों के लिए। चलो शिकार, इसी खुशी में एक शानदार डिनर हो जाए। क्या कर रहे हो तुम लोग? खा खा के फट पड़ना है क्या गुब्बारे की तरह? खाना खाने दो, खाएंगे तो ताकत आएगी, फिर मोंटी को ऐसी धुलाई करेंगे, अपने आप को मर्सी मिस्टर है। अरे मोंटी की धुलाई करने के लिए ताकत चाहिए, और ये कूड़ा करकट खाने से ताकत नहीं आती है। इसे खाने से बस फूल के गुब्बारे की तरह गुप्पा हो जाओगे तुम। अच्छा ये बताओ, ये मर्द बनने का पंगा क्या है? तुम जैसी छोटी छोटी बच्चियां मेरी तरह डॉक्टर बनेगी, मम्मी की तरह टीचर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, फैशन डिजाइनर बनेगी। आई वांट टू बी अ रेसलर, WWF, and I want to be a cricketer. मैं बड़ी होकर मर्द बनना चाहती हूँ। मर्द बनना चाहती हूँ? अरे मर्द बनना कोई डिग्री या डिप्लोमा है? कोई बताए मुझे ये क्या है? काश ऐसा कोई डिग्री या डिप्लोमा होता। इन्हें ब्लेम मत कीजिए, मर्द लोग औरत जात को हमेशा कमजोर समझते हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, मुझे देखो, मैंने तुम लोगों को शहजादियों की तरह सर पे बिठा के रखा, एवज में क्या हुआ, मेरे बाल गिर रहे हैं। आई एम मूविंग टुवर्ड्स गंजापन। तो फिर आपको मम्मी की प्रॉब्लम का अंदाजा है? पता है वो कितनी देर से अपने कमरे में बैठी रो रही है? Did I say anything? आप मर्दों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ मर्द बने रहिए, बेरहम बेदर्द, सब मर्द एक जैसे होते हैं। कम ऑन मिनी रचना, चले चले। कल तक ये मेरा घर हुआ करता था, मेरी बीवी मेरे बच्चे यही रहते थे, लेकिन आज ये नारी संगठन का हेडक्वार्टर बन गया है। हाय शर्मा अंकल। हाय। हाय, यू आर लुकिंग ग्रेट। लगता है नई शादी का करिश्मा है। आप ही की कसर बाकी थी, आज तो भाई साहब मेरा पूरा दिन ही हो गया है। बड़ा उपकार किया जो आप आ गए। बैठिए कॉकरोच साहब। कॉकरोच क्या अंकल, कॉकरोच कहकर कर दिया ना कचरा, दोस्त लोगों ने नाम रख दिया है। वैसे आप मुझे संजीव बुलाइए ना, संजीव। कॉकरोच एक मिनट, क्या हुआ डैडी, परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। अंकल यू आर लुकिंग ग्रेट। और आपको
आपको शादी मुबारक हो। ओह थैंक यू। लेकिन क्या अंकल, शादी में आपने बुलाया भी नहीं, अभी नहीं बुलाया। कॉकरोच शट अप, लड़ी बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं। मुंह तो लगता है लटका हुआ अंकल का, लगता है आंटी ने कुछ जमकर लेक्चर दिया है। मेरे डैडी का भी अंकल ऐसा ही मुंह लटक जाता है जब मेरी मम्मी कहती है ना। चुप यार चुप, क्या हो डैडी? नहीं वो तू कुछ कह रहा था, ये क्या होता है बच्चा? वो तुम्हारी डैडी का लटक जाता है मुंह जब तुम्हारी मम्मी डांटती है। नहीं क्या है मिस्टर कॉकरोच, आई एम सॉरी संजीव, मेरी नई शादी हुई है तो जरा ये मैरिड लाइफ पे जरा रोशनी डालिए तो बड़ा उपकार होगा हम पर, प्लीज। वेरी सिंपल अंकल, वेरी सिंपल। मेरे डैडी मेरी मम्मी के सामने घुटने टेक देते हैं अंकल, मेरी मम्मी का फेवरेट फूल रजनीगंधा प्रेजेंट करते हैं, बर्तन अपने हाथ से मांजते हैं अंकल, मम्मी की फेवरेट डिश बनाने के बाद पूरे घर की सफाई करते हैं और दिन भर मुझको लेक्चर देते रहते हैं कि अपनी मम्मी की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। और मेरी मम्मी चुप, एकदम चुप। तेरे डैडी में और मेरे डैडी में बहुत फर्क है डैडी, आप इसके मुंह मत लगिए, ये आपका भेजा चाट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये बात तो पता की कर रहा है, मैं इसका नुस्खा आजमा के देखता हूँ मिस्टर कॉकरोच, ऐसे ही ना। सवाल ही नहीं है। पता नहीं यार इस औरत ने आती है डैडी पर कौन सी जादू की छड़ी चला दी है, हाथ से गए डैडी। ये मैंने सीखा है कॉकरोच के बाप से। ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, निकालो अपने दिमाग से, तुम एक मजबूत औरत हो, स्ट्रॉन्ग वुमन। हद होती है बर्दाश्त करने की, हर बार इनायत मेरे साथ होती है, हर जगह मर्दों को ज्यादा इज्जत दी जाती है, किसी एरेगरे मर्द को भी। सुनो तुम कुछ ओवर रिएक्ट कर रही हो, हो सकता है वो आदमी इस पोस्ट के काबिल हो, या फिर प्रिंसिपल बनने की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम इस बात को नजरअंदाज कर रही हो। Whose side are you on? तुम मेरे पति हो या उस आदमी के? अबाओ, उसका तो हो ही नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज को लाइट ले लो ताकि जिंदगी आसान हो जाए। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का मर्द कह रहा है, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस आदमी से हमदर्दी है। कहा तुम मुझे उन मर्दों की भीड़ में घसीट रही हो, जब चाहे आजमा लो, आखिरी सांस भी तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ। पूछो। क्या आज से तुम्हें शेखर शर्मा के बजाय मिस्टर शिखा कहलाना मंजूर होगा? हा? अपना शहर, अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़ना मंजूर होगा? किसी अनजान शहर में नए लोगों के बीच उन्हें अपना बनाकर रहना मंजूर होगा? बस इतना कर लो मेरे लिए और मैं मान जाऊंगी कि तुम उस भीड़ में शामिल नहीं। अरे डैडी संभालिए इन्हें, संभालिए लोगों को। क्या कर रहा बेटा? मैं बताती हूँ, अभिषेक नाम के एक मर्द का ये ख्याल है कि वो इस घर में कुछ भी कर सकता है। सोनिया, ओह माय गॉड, नॉट अगेन, ये मर्द और औरत का झगड़ा इस घर में कब तक चलता रहेगा, कोई बताएगा मुझे? मैं बताता हूँ, सोनिया नाम की खड़ूस बेहुदा औरत का ये कहना है कि वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो औरत है। ओहो ये बात है, ये दुनिया की सारी औरतें यही समझती है कि वो कुछ भी कर सकती है। क्या? हाँ, अब मेरा मतलब है हम मर्दों को अपना दिल जरा बड़ा रखना चाहिए, ये मर्द होने की निशानी है। डैडी बात सिर्फ ये है कि मैं और कॉकरोच ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। ओ, अच्छा, फिर? और हमारी उम्र के कुछ दोस्त, मर्द दोस्त का इंतजार कर रहे थे। What's your problem? प्रॉब्लम ये है कि ये श्रीमान चाहते हैं कि हम उस रूम से दफा हो जाए ताकि वो अपने मर्द होने का रौब जार सके। मर्द होने का इतना हक तो होना चाहिए। तुम क्यों अपनी पति सी दिखा रहे हो? तुम्हें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस अपनी छोटी छोटी बहनों पर रौब झाड़ना चाहते हो। मम्मी आप ये अभिषेक को अच्छी तरह समझा दीजिए कि वो अपनी खोखली धमकियों देने के बजाय अपने साथ अच्छी तरह से बिहेव करे। राइट, राइट। और ये तभी हो सकता है जब तुम लड़कियां लड़कियों की तरह पेश आओ, हमारी बराबरी करने की कोशिश की ना तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तेवर देखो इनके, बदतमीज कहीं का। अरे सुनो डैडी, इन्हें मर्द बनने का बड़ा शौक है, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे, उन्हें ये बड़ी बड़ी ऊंची हो जाए। मर्द तुम हो, दुआएं तो तुम्हें अपने लिए मांगनी चाहिए ताकि तुम्हारी इतनी परी परी मूछें उग जाए। 18 साल के हो गए हो और अब तक मूछें नहीं उगी, इससे पहले
नहीं होता मुझसे, बस करो। अभिषेक चलो हो गया, अब इसे सॉरी कहो और हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ इसे। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने क्या किया? अच्छा चल सोनिया तू हाथ मिला ले, भाई है तुम्हारा। मैं तो इससे तभी सॉरी बोलूंगी तभी इसकी मूछें उग जाए। डैडी कुछ तो बोलो, लगता है इसने भी आप पर जादू की छड़ी फिरा दी है। शट अप, वेरी बैड। चलो अभिषेक हाथ मिलाओ। सोनिया हाथ मिला ले। नहीं मम्मी। सोनिया हाथ मिला ले, कम ऑन। क्या बात, अरे हट जा। ए अभिषेक, नो नो मम्मी, तुम क्या समझते हो अपने आप को? बेटा शेखर, शेखर ये अभी और सोनिया की जो रोज की चिक-चिक है ना, उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। गॉड ओनली नोज इनका ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा। अच्छा तुम कुछ सुन रहे हो या मैं अकेली बके जा रही हूं? शेखर मैंने पूछा अभी और सोनिया के बारे में हमें कुछ करना चाहिए या ऐसे छोड़ दे उनको अपने हाल पर। क्या हुआ अभिषेक और सोनिया को? तुम्हें कुछ दिखता नहीं? मुझे तो सिर्फ तुम दिखती हो। इस घर को भी क्या तुमने अपना क्लिनिक समझ रखा है जहां तुम आंखें खुली रख के सोते हो डॉक्टर कह के? शिका मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपस में क्यों झगड़ते हैं, पर एक बात समझ में आती है, ये अभी है ना एक नंबर का गधा है और सोनिया भी उससे कुछ कम नहीं है। और नहीं तो क्या? दिन भर बस एक ही नारा लगाती रहती है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मुझे लगता है उसे एक टी शर्ट लेके प्रेजेंट करना चाहिए, उस पर वो स्लोगन लिखवा देना चाहिए ताकि बेचारी को दिन भर ये नारा ना लगाना पड़े। उसका बस चले तो दुनिया के सारे मर्दों को एक चुटकी बजा के गायब कर दे। तो मर्द अपने आप को इतना महान क्यों समझते हो? रिलैक्स रिलैक्स शिखा, मैं अपने आप को एक महान मर्द नहीं एक महान प्रेमी समझता हूँ। ये लो, मैं अभी और सोनिया के बारे में कह रही हूँ और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। डार्लिंग छोड़ो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओ, अरे घरे की घंटा घर, तब से दरवाजे पर कोई खटखट किए जा रहा है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अरे तुम लोग क्या कर, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोलते बेटा? ये एक दूसरे की आरती उतारोगे या दरवाजा खोलोगे? आइए आइए। और अंकल हेलो हेलो, और क्या बात है, आप लोग दरवाजा नहीं खोल रहे? अभिषेक तू भी? सोनिया ये है मिस्टर कॉकरोच, अभिषेक के दोस्त है। तुम तो इनसे मिल चुकी हो? अभी अभी मिलकर आए। कहाँ? दो तीन मरे पड़े थे किचन में। नहीं नहीं, लोग मुझे प्यार से कॉकरोच कहते हैं, बदले में मानी मैं संजीव। नाइस मीटिंग। सेम हियर। वैसे अंकल लगता है आपके राशन कार्ड में कुछ और बढ़ोतरी हो गई है। अंदर चल के बाकी की बातें करें। चलिए चल 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 चल। औरतों की पूरी पलटन जमा हो गई है इस घर में। अरे लगता है आपका मर्दानापन सचमुच खतरे में है। क्या? It's a bad stage, you know? मेरे डैडी कहते हैं औरतें फूल की तरह होती है, जब तक उनमें खुशबू है सूंघा, बासी हुए फेंक दिया। बाजार में ताजे फूलों की कमी है क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्लडी इडियट्स, तुम दोनों क्या ऐसे भद्दे विचारों की वजह से कॉलेज में कोई भी लड़की तुम दोनों को घास नहीं डालती। वेरी राइट अंकल जी। क्या राइट अंकल जी, ये जब देखो डैडी डैडी डैडी, देखा है तुम्हारी डैडी को? जब तुम्हारी मम्मी नाराज होती है ना तो टांगों के नीचे दुम दबा के कोने में दुबक जाते हैं गीदड़ की तरह। बेटा दिस इज 1995, औरतों को मर्दों से किसी भी मामले में कम मत समझो, सिवाय रेसलिंग के। क्यों? नहीं, वो रेसलिंग उन्हें, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती, पर वो कपड़े पहन के ऐसे ऐसे करना उन्हें शोभा नहीं देता। हाँ, जैसे जैसे मर्दों को बच्चे पैदा करना शोभा नहीं देता। राइट। ठीक उसी तरह से कुछ काम मर्दों को अच्छा लगता है, कुछ काम औरतों को। जैसे घर की सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, बच्चों को दूध पिलाना और सैक्रिफाइस करना। जैसे ये देखो, तुमने इसे सॉरी नहीं कहा, हाथ नहीं मिलाया, फिर भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए चाय बिस्किट लेके आई है। हाउ ग्रेट शी इज अंकल।
आपको मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं। औरतों के बारे में आपके जो उच्च ख्याल है वो मुझे और मेरी मम्मी को बराबर मालूम है। बेटा तुम्हारा तो नहीं कहता, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में राय कायम करने में थोड़ी जल्दबाजी की है। खैर मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले। थैंक यू बेटा। मैं औरतों के बारे में क्या कह रहा था मिस्टर कॉकरोच? माय नेम इज संजीव। क्या आप भी इनके आई हेट वुमेन क्लब में शामिल हैं? डोंट बी सिली यार, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत को फूल समझ के फेंक देते हैं। हरगिज नहीं। आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना? आप लोगों को क्या मालूम लड़की होने के क्या फायदे होते हैं? लड़की कितनी क्यूट होती है, कितने क्यूट क्यूट कपड़े पहनती है, कितना क्यूट हंसती है, और जब जहाज डूब जाता है ना तो सबसे पहले तुम्हारी तरह क्यूट क्यूट लड़कियों को बचाया जाता है, सबसे पहले। हाउ क्यूट। मालूम है कॉकरोच, आई मीन संजीव, दुनिया में तुम ऐसे पहले लड़के हो जो औरतों के बारे में इतने उच्च ख्याल रखता है। आओ ना बैठो ना, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं आज नहीं, फिर कभी, अकेले में। अकेले हम, अकेले तुम। इधर आ, इधर आ, बैठो। अगली बार तू मेरे घर में घाघरा चोली पहनकर नहीं आया ना तो देख लेना, लड़की होने की बात करता है सारा झिंगुर कहीं का। तो कुछ भी बोल यार, सुनिया है बहुत ही क्यूट यार। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। तू यार एक लड़की चीज ही ऐसी होती है, तू यार अच्छे खासे इंसान को देख घनचक्कर बना देती है यार। कॉकरोच अब तू हद से बाहर जा रहा है। तुझे यार तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, तेरी सगी बहन थोड़ी है। सगी हो या सौतेली, ये हमारा आपस का मामला है। देख यार मैं उसके बारे में कुछ भी सोचूं तुझे उससे क्या लेना देना। देख यार तू औरतों की तरह दिल छोटा मत करा। शट अप कॉकरोच, चाय पीनी है तो पी और फुट। पियूंगा पियूंगा, सोनिया ने बनाया ना। हाय एवरीबॉडी। हाय। कल मेरा खाना मत बनाना। क्यों? मैं फिल्म देखने जा रही हूँ संजीव के साथ। कौन सी? अकेले हम अकेले तुम। अकेले अकेले। ये संजीव कौन है बेटा? कॉकरोच, ये किस कीड़े का नाम है? मेरा एक दोस्त है। ओह आई मीन था। वो कैसे तुम्हारा फ्रेंड बन गया? कहाँ वो कहाँ तुम, कितना फर्क है तुम दोनों में। He's so sweet. हाँ वो करेले जैसा मीठा और जलेबी जैसा सीधा है, स्वीट कॉकरोच। तुम सबकी बुराई करते रहो, कभी किसी का अच्छा सोचा है? सोनिया ठीक कहती है अभिषेक, तुमने कभी किसी का अच्छा सोचा है? डैडी आप भी इनकी तरफदारी कर रहे हैं, तो मैं आपका असली बेटा हूँ, कोई तो मेरे साथ होना चाहिए। ये जनाब को जलन हो रही है क्योंकि मैं इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन सोनिया तुमने अपनी मम्मी की परमिशन ली? इसमें परमिशन की क्या बात? डैडी तो फिर हमें क्यों परमिशन लेनी पड़ती है? ए, तेरे साथ कोई लड़की आएगी क्या फिल्म देखने? नहीं ना, तू फिर क्या परमिशन की बात कर रहा है? डैडी, डैडी, हम लड़कों को परमिशन लेनी पड़ती है, और ये लोग नो, रूल इज रूल, रूल सबके लिए एक ही होना चाहिए। ये बात तो सही है, रूल सबके लिए एक होना चाहिए, सबको परमिशन लेनी चाहिए। तो डैडी सोनिया बिना परमिशन के पिक्चर देखने कैसे जा सकती है? मम्मी क्या मैं फिल्म देखने जाऊं? ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो मुझे मत कहना। डैडी आपको मालूम है पूरे कॉलेज में कॉकरोच इतना बदनाम लड़का है, कोई भी शरीफ लड़की उससे बात करना पसंद नहीं करती। चार चार मर्डर केस में फंसा है, ड्रग स्मगलिंग तो समझने वाली बात है, और आंटी जी कभी भी ताड़ा लग सकता है। कोई रेप केस तो नहीं चल रहा है? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन करने में कितनी देर लगती है? तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? हाँ ओह ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, मुझे तो फिक्र है हाँ कॉकरोच की। कहाँ वो, कहाँ तुम, कुछ भी हो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। बेटा वाह, अभी तो तुम उसे टाटा लगा रहे थे और अभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो गया, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा बेस्ट फ्रेंड के बारे में अगर तुम्हारी ये राय है तब तो घर वालों को तुम फांसी पे लटका दोगे भाई। बेटा सही सही। डैडी आप सब लोग हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, भाड़ में जाओ तुम सब। अरे बेटा अभी जब देखो तब गुस्सा, पिक्चर मैं देखने जा रही हूँ और गुस्सा जनाब को हो रहा है। मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा, आखिर भाई है वो तुम्हारा। भाई? हेलो नमस्ते आंटी, मैं अभिषेक, संजीव है। हाँ कॉकरोच मेरी एक बात ध्यान से सुन,
अगर तू कल सोनिया के साथ बाहर गया तो अपनी दोस्ती खत्म, हमेशा हमेशा के लिए, बचपन की दोस्ती, समझा? अरे भाई क्यों का क्या मतलब है? मैं तुझे कह रहा हूं इसलिए, देख कॉकरोच तुझे मेरा गुस्सा मालूम है ना? देख देख कॉकरोच, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, तुझे सोनिया के साथ बाहर क्यों जाना है? मैंने कब कहा कि वो मेरी बहन है? तू समझता क्यों नहीं है कॉकरोच, वो तुझे बेवकूफ बना रही है। बोडी नहीं, मैं मुझे कैसे मालूम इडियट। देख उसने खुद मुझे बताया। हाँ तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता? बाद में फोन करता हूँ। सोनिया इधर आ, कम आ। कोई काम धंधा नहीं है, चोरों की तरह दूसरों की बातें क्यों सुनती हो? मैं दूसरों की नहीं अपनी बातें सुन रही थी। अच्छा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है? तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा किया है। मैंने क्या किया? यू पटाउट हिम। मैं उसे कैसे पटा सकती हूँ? मैं तो चुड़ैल हूँ, राक्षसी हूँ, बदसूरत हूँ, भूल गए क्या? तुम्हीं ने तो कहा था, ऊपर से सॉरी भी नहीं कहा। माफी मांगने में क्या आपको बहुत शर्म आती है? अच्छा तो ये सब तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुमसे सॉरी कहूं? अच्छा बाबा सॉरी, ये भी कोई तरीका हुआ सॉरी बोलने का? कभी किसी से माफी नहीं मांगी? सोनिया कुछ भी हो तुम उसके साथ बाहर नहीं जा रही हो। मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तुम मेरे डैडी नहीं हो। अरे पहले किसी से शादी करो, अगर कोई मिल जाए बदनसीब बेचारी, फिर बच्चे पैदा करके डैडी बनो, अगर बन सकते हो तो। फिर उन पर ये रुआब झाड़ना, मुझ पर नहीं। सोनिया मम्मी तो तुम जा रही हो? मिली, हमें आजादी कभी मिली? हमें आजादी कब मिली? 1947 में। दीदी 1947 में। सुना तुमने, मैं आजाद हूँ। बहुत पछताओगी। जरा अपने कपड़े तो देखो, मेकअप कितना पोत रखा है। मैं तो समझता था तुम्हारी नारी संगठन इन सब चीजों के खिलाफ है। इतनी भी आजादी अच्छी नहीं है, शक्ल से ज्यादा अकल पे ध्यान दो। आजकल के लड़के अकल नहीं शक्ल देखते हैं। अभिषेक तू क्यों नहीं मान लेता कि तू सोनिया से भी उतना ही प्यार करता है जितने रचना से? Well, करता तो है लेकिन बोलेगा नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है, रचना मेरी सगी बहन है और तुम सौतेली। मैं तो तुम इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉकरोच से 100 रुपए की बेट लगाई थी और अगर तुम चली गई तो ऑफकोर्स मैं वो बेट हार जाऊंगा। वैसे सोनिया अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस कॉकरोच के चेहरे पर बेगॉन स्प्रे छिड़क देता। एक साथ छुपाने के लिए तुम और कितने झूठ बोलोगे? अभिषेक तू सच क्यों नहीं कह देता सोनिया से? Let's see who's more powerful. तो क्या तुम नहीं जा रही हो? जाऊंगी लेकिन तुम्हें पहले बताकर कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मर्द या औरत। मुझसे पंगा मत लो, हार जाओगी। चलो आजमाते हैं। जान बूझ कर हार गए ना, सॉरी बोलने का अच्छा तरीका है।